भाई किराया निकाल। अभी किराए का इंतजाम नहीं हो पाया भाई। मुझे मालूम था तू यही बोलने वाला है। महीना खत्म हो के ऊपर का 5 दिन हो गया, चल किराया निकाल। भाई मेरी बात सुनो भाई। भाई गया तेल लेने, समझा? पैसा नहीं कोई भाई नहीं। भाई सुनो ना, तुम्हारा पैसा रखा था पर अचानक मेरे पोते की तबीयत बिगड़ गई, उसके इलाज में पूरे पैसे खर्चे हो गए, क्या करूं? भाई मैं बहुत जल्दी आपका किराया चुका दूंगा भाई। और भाई वैसे भी मैं आपको हमेशा एडवांस देता आया हूँ भाई। एडवांस दिया तो मेहरबानी क्या है क्या? भाई एक काम कर, तो खुले आसमान में रहे, कोई पैसा नहीं कोई किराया नहीं। ऐसा मत करो भाई। भाई सुनो ना इनका, अब तो यही करना है आप। करो छोटे छोटे बच्चे को लेके मैं कहाँ जाऊंगा भाई? सबका ठेका ले रखा है, धर्मशाला खोल के रखी है। गाँव वालों कोई मेरी मदद करो क्या? भाई सुनो ना, भगवान से तो डरो ना भाई, देखो ना हमारी हालत कैसी हो गई है। जग्गू इनका कचरा बाहर फेंको। भाई रुक जाओ भाई। रुक मेरे दादा दादी और चुन्नू मुन्नू को घर से बाहर क्यों निकाल रहा है ये छटंकी? हट हट किसको बोलता है? मेरे दादा दादी को घर के बाहर क्यों निकाल रहा है? 2 साल का छोकरा मुझसे जुबान लड़ाता है, तेरी इतनी हिम्मत? हट। अरे तुम सब लोग देख क्या रहे हो? बचाओ मेरे दादा दादी को, बचाओ। अंकल आप तो बचाओ मेरे दादा दादी को। आंटी आप तो बचाओ मेरे दादा दादी को, बचाओ। आंटी मेरी मदद कीजिए, मेरे दादा दादी को बाहर निकल रहे। अंकल मेरी मदद कीजिए प्लीज, मेरे दादा दादी को बाहर निकल रहे अंकल। चाबी अब मेरे पास रहेगी। कौन है तू? ये मेरा घर है। घर तो तेरा ही है मगर इसमें रहने वाले ये लोग हैं। जाओ अपना काम करो, मैं बेकार में भिड़ना नहीं चाहता। मैं भी बेकार में भिड़ना नहीं चाहता, इसलिए समझा रहा हूं कि अपने इन छेल छबीलों को लो और निकल लो यहां से, चलो। अरे चीकू तूने बताया नहीं इसे मैं कौन हूं। जग्गू जरा इसे मेरा इंट्रोडक्शन तो दे। चल तू ही बता दे कहाँ की हवा है तू। हवा तो सुन, यहाँ किसी की औकात नहीं, किसी की हिम्मत नहीं जो मेरे काम में टांग अड़ा सके। क्यों बेकार में भिड़ना चाहता है? बहुत बुरा आदमी हूं मैं, समझा? बुरे लोगों को सुधारना ही तो हमारा काम है। चल जग्गू इसे अपनी औकात दिखा दे। आजा। एक मिनट, आराम से। मारा मारी भी करते इतनी जल्दी क्या है? पर एक बार जान तो लो कि मारा मारी आप लोग किसके साथ कर रहे हो। कौन है तू? सीआईडी ऑफिसर हूं मैं। सीआईडी ऑफिसर दया, अब ये बता बातों से मान जाएगा या कबड्डी खेलेगा तू मेरे साथ? देखो साहब ये मेरा घर है, ये लोग किराया नहीं दे रहे साहब। इस बार थोड़ा लेट हो गया, शाम तक किराया दे दूंगा। ले लो, हो गया काम। खामखा सामान बाहर फेंकवा दिया। हाँ चलो सामान अंदर रखोगे क्या? मैं? हाँ जैसे सामान को बाहर फेंकवाया अंदर रखवा दो।
देखो साहब, यहाँ मेरी थोड़ी रेपुटेशन है, मैं जग्गो को बुलवा के सामान रखवा देता हूँ। चलो ठीक है, बचा ले तू अपनी इज्जत, मगर आइंदा इस घर पे नजर उठा के भी देखा ना तो समझ जा। चल भिजवान को। आज कल रास्ते में मुझे नहीं मिले होते तो आज दादा दादी को कोई नहीं बचा सकता था। अंकल, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप सीआईडी में हो। अच्छा, वैसे चिंकू बेटा आपने बहुत अच्छा काम किया। चिंकू अंकल, मेरी मम्मी मुझे बुला रही है, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। ओके, बाय। नहीं होते तो हम बेघर हो जाते। आपने हमें घर दिला दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई नहीं, आप निश्चिंत रहिए, ये लोग दोबारा आप लोगों को परेशान नहीं करेंगे। चलता हूँ मैं। क्या बात है माँ? देव बेटा कहाँ चला गया था तू? काम पर नहीं जाना है? जाना है माँ। वहाँ टेबल पर पोहा रखा है, जाके खा लो। माँ तू बिस्तर से क्यों उठी? तेरी तबीयत ठीक नहीं है ना? मैं बना लेता। मेरी नन्ही सी जान, बाहर भी इतनी मेहनत करता है, अब घर पर खाना भी बनाएगा तो क्या हो गया माँ? हाँ, डॉक्टर ने तुमको आराम करने को कहा है ना? जब तक ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं बनाते रहूंगा। इतनी फिक्र करता है मेरी, पर पता नहीं मैं ठीक हो पाऊंगी या नहीं। माँ तू जरूर ठीक हो जाएगी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना बहुत पैसे कमाऊंगा और तेरा बड़े से बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराऊंगा। अच्छा, चल अब मैं चलता हूँ। बेटा पोहा तो खा के जा। नहीं, वो जब भूख लगेगी तब खा लूंगा। अपना ध्यान रखना बेटा। हाँ, बिस्तर से मत उठना। चिंकू बेटा। हाँ दया अंकल, आप अभी पे यही हो? हाँ, आप कहाँ जा रहे हैं? काम पे। इतनी छोटी उम्र में आप क्या काम करते हो? बड़े लोगों की फेंकी हुई चीज उठाता हूँ। क्या मतलब? गंदगी साफ करता हूँ, कचरा उठाता हूँ, इस शहर को साफ करता हूँ, उन अंकल जैसा बुरा काम नहीं करता। गुड बेटा, कहाँ जाना है आपको, छोड़ दूँ मैं? नहीं नहीं, मैं चला जाऊंगा। अच्छा अंकल, अब मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। बाय बाय। बाय। कैसे लोगे, कचरे का डब्बा होने के बाद भी कचरा बाहर ही फेंकते हैं। किसकी गाड़ी खो गई है? एक काम करता हूँ, पुलिस स्टेशन में देता हूँ। ये गाड़ी मेरी है, मुझे वापस करो। ये मेरी गाड़ी है, मुझे वापस। ये गाड़ी मेरी है, मुझे दो वापस। रास्ते का माल उसका होता है जो उसे पहले देखता है। चल अड़ी दर। पहले मैंने देखा था। ये ले 50 रुपए, ठीक है? मुझे नहीं चाहिए, मैं किसी और दुकान में बेच दूंगा। रखो अपने पैसे। अरे पहली फोनी कर रहा हूँ मैं तेरे साथ, और सामान वापस नहीं ले जाने दूंगा अपनी दुकान से, समझे? मैं भी इतने कम में नहीं दूंगा चाचा जी। तो दूसरी दुकान पे जाना चाहिए था ना, यहाँ क्या करने आया है? मुझे क्या पता था तुम एक दिन में भाव गिरा दो। रख ले रख ले रख ले, वरना पैसे भी नहीं दूंगा और तेरा सामान भी नहीं दूंगा। निकल यहाँ से, चल। बेकार के भाव पे गिरा सोते। आज 50 रुपए कमाए हुआ है। माँ की दवाई आएंगी और खाने का क्या होगा कल देख लेते हैं, आज दवाई ले लेता हूँ। Thank you.
यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहा है? चल चल भाग यहाँ से। बेटा क्या बात है, इतना चुपचाप क्यों बैठा है? बस ऐसे ही माँ। माँ हूँ मैं तेरी, मुझे सब पता चलता है। तो कुछ सोच रहा है ना? माँ मैं तुझसे एक सवाल पूछूं? हाँ पूछना। माँ मेरा जन्मदिन कब है? आज मेरे बेटे को अचानक अपने जन्मदिन का ख्याल कैसे आया? माँ मैंने ना एक बड़े घर के लड़के को है ना अपना जन्मदिन बनाते हुए देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बेटा हम जैसे गरीब लोग अपना जन्मदिन कैसे मना सकते? हमारे पास तो खाने के भी पैसे नहीं है ना। माँ तू चिंता मत कर, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना अपना जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाऊंगा। हाँ बेटा, आपसे मिलने का दिल किया तो चले आए मिलने। माँ ये दया अंकल है। हाँ बेटा, मैं इन्हें देख के ही पहचान गई कि ये तुम्हारे दया अंकल ही होंगे। हाँ, ये आप लोगों के लिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? ये सब चिंकू के लिए। सच? चावल, शक्कर, बाजरी, वाह, और चाय पत्ती। मैं आप लोगों के लिए चाय बनाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। हम आपसे ये कहने आए थे कि कल हम आपको इलाज के लिए अस्पताल ले जाएंगे। माँ का इलाज अस्पताल में? अभी हम लोग निकलते हैं, कल सुबह आ जाएंगे आपको अस्पताल ले जाने। चलिए हम चलते हैं। थैंक यू। बाय बाय अंकल। बाय बाय। बाय बाय। चिंकू बेटा अब चिंता की कोई बात नहीं, तुम्हारी माँ का अच्छे से अच्छा इलाज होगा और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सच? सच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी। आप ठीक हो जाइए बस। थैंक यू सर। चिंकू की माँ की तबीयत काफी खराब है, वो ठीक तो हो जाएगी ना? फ्रेडी चिंकू की माँ को ठीक होना ही होगा, उसके अलावा चिंकू का कोई नहीं है। बिना माँ बाप की जिंदगी कैसे बीतती है मैंने बहुत करीब से देखा। सिस्टर आइए मैं कुछ दवाई लिख के देता हूँ। हेलो डॉक्टर। डॉक्टर साहब चिंकू की माँ के इलाज में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए और उनके रिपोर्ट से जो कुछ भी पता चलता है प्लीज हमें अपडेट करते रहिएगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए। थैंक यू सो मच। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों की वजह से शायद मैं कुछ दिन और जी सकूंगी। कुछ दिन क्यों, आप कई और साल जिएंगी। चिंकू आपका लाडला है, इसके लिए आपको जल्द से जल्द ठीक होना ही पड़ेगा। पर आप ना होते तो ये नामुमकिन था। कुछ नामुमकिन नहीं है, बस थोड़ा वक्त लग जाता है फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। ये कुछ पैसे हैं, रख लीजिएगा। नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। यूं समझ लीजिए कि एक भाई ने अपनी बहन को दी है, प्लीज।
हम लोग चलते हैं। दया अंकल आप बहुत अच्छे हो, आपने मेरी मम्मी को इस हॉस्पिटल में भर्ती किया, नहीं तो। बेटा आप बहुत छोटे हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं सोचते। अपनी मम्मी का ख्याल रखना, अभी हम लोग चलते हैं, और मेरा ये कार्ड रखो, जब कभी जरूरत पड़े मुझे फोन करना। बाय बाय। तुम्हें पता है दया अंकल बहुत बहादुर है, चोरों बदमाशों को यूं पकड़ लेते हैं। हाँ बेटा, जैसा नाम है वैसे ही दयालु है, हमारी कितनी मदद कर रहे हैं ना। माँ तुम्हें पता है मैं बड़ा होके ठीक दया अंकल जैसे ही बनूंगा। हाँ बेटा। माँ रोते नहीं है, माँ नहीं रोते। चिंकू बेटे दवाई लेके आना। माँ मैं अभी दवाई लेके आता हूँ। बेटा रुको, पैसे तो लेके जाओ, हिसाब करके आना अच्छे से। जी हाँ। अरे अंकल 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 पहले मेरी दवाई दो अंकल अंकल अंकल। आराम से खड़ा रहे, जंगली हो जैसा बर्ताव मत कर, हॉस्पिटल है ये, दौड़ का मैदान नहीं। माफ कर दो अंकल, मेरी माँ बहुत बीमार है, मैं थोड़ा जल्दी में था। यहाँ ना और भी लोग बीमार है, शांति से खड़ा रहे। भैया दे दीजिए ना उसको मेडिसिन। तुझे मालूम भी है ये कितनी महंगी दवाई है? इतने पैसे हैं तेरे पास? भैया पैसे होंगे तभी तो आया है वो मेडिसिन लेने, अब ऐसे कैसे कह रहे हैं उसको? आंटी पैसे हैं। देखा पैसे हैं इसके पास, चलिए दे दीजिए इसको। हेलो चल निकाल, 7,800 रुपए। मेरे बाकी के 200 रुपए दो। अरे रुक जा देता हूँ। ये सारे के सारे नोट नकली है, कहाँ से उठा कर लाया तू ये कचरा? ये नोट नकली नहीं हो सकते। तेरे को बोला ना नकली है। तू रुक, अभी पुलिस को फोन करता हूँ, रुक तू। रुको, ये पैसे है ना मुझे मेरे दया अंकल ने दिए, वो सीआईडी में सीआईडी। अच्छा अभी झूठ भी बोलने लगा तू? मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ये उन्होंने दिए, ये नकली हो ही नहीं सकते। तू ना यहाँ पर बैठ, यहाँ पर बैठ, मैं अभी करता हूँ तेरे सीआईडी वाले दया अंकल को फोन। बैठ यहाँ पर आराम से। हेलो काफी देर हो गई, चिंकू अभी तक आया नहीं। चिंकू चिंकू आपने जो पैसे डिपॉजिट करवाए थे वो सभी जाली हैं। जाली नोट्स? इस बंडल में सिर्फ एक ही नोट नकली है, जैसे ही वो नकली नोट आएगा ये मशीन खुद ब खुद रुक जाएगी। ये नोट नकली है, अब हम हॉस्पिटल से लाए हुए सभी नोट चेक करते हैं। डायरेक्ट सीआईडी ऑफिसर के पास नकली नोट मिलते हैं, इसका मतलब जानते हो तुम? सर मेरी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा कि वो नोट्स नकली कैसे हो। डायरेक्ट चिकू को पैसे तुमने दिए, हॉस्पिटल में पैसे जमा किए तुमने, और तुम कह रहे हो तुम्हें पता नहीं, और किसको पता होना चाहिए? हा?
सर मैं क्या बताऊं? नहीं नहीं, ये सवाल नहीं चाहिए मुझे, जवाब चाहिए, जवाब। कहां से लाए थे नोट? सर पैसे मैंने अपने दोस्त से लिए थे सर। दोस्त से? और है कौन ये तुम्हारा दोस्त? सर विजय नाम है उसका, बहुत पुराना दोस्त है सर, कॉलेज के जमाने से। सर सर सारे नोट्स नकली हैं। सुन लिया? सारे के सारे नोट्स नकली है, नकली। इसका मतलब जानते हो? तुम्हारा ये दोस्त विजय नकली नोटों का कारोबार करता है। इसे कैसे हो सकता है सर, मैंने कई बार उससे पैसे उधार लिए हैं सर। अरे कई बार पकड़े नहीं गए, लेकिन अभी सच्चाई तो सामने आ गई ना। पता लगाओ ये तुम्हारा दोस्त विजय कहाँ है। विजय, विजय, विजय। नीचे पड़ा जय। कौन? विजय। ओह नो विजय, उठा उठा उसे, संभाल के संभाल के विजय। ओह नो सर, ये मर चुका है। जिसने भी ये किया है वो जानता था कि हम यहां आने वाले हैं, इसलिए हमारे आने से पहले ही विजय का काम तमाम कर दिया। घर को अच्छी तरह से ढूंढो, देखो कुछ ना कुछ तो जरूर मिलना चाहिए। इसी वास से उसके सिर पर मारा है। विजय को क्यों मारेगा सर, बहुत ही शरीफ आदमी था ये। दया दिखता है वैसे नहीं होता, ये विजय की शराफत का तो पता चल ही जाएगा। सर सर विजय कवर में से नोट से भरे तो बैग मिले। इतना सारा पैसा घर में? सर विजय एक बिजनेसमैन था, हाल फिलहाल में इसकी कोई डील हुई होगी। फिर भी दया इतना सारा पैसा कोई घर में क्यों रखेगा? क्यों निखिल, सारा का सारा पैसा अच्छी तरह से चेक करो। दया समझ में नहीं आता कैसे आदमी के साथ दोस्ती रख रहे थे तुम। मुझे तो लगता है ये बैग में जो पैसा है ना वो भी जाली होगा। सर मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, जब भी मुझे पैसों की जरूरत होती थी तो ये मुझे उधार दे दिया करता था, ऐसा कभी नहीं हुआ सर। सर सर विजय ने हाल ही में एक प्रॉपर्टी बेची, काफी महंगा सौदा था। सर ये पैसे उसी प्रॉपर्टी डील की होगी। अब ये प्रॉपर्टी खरीदी किसने? प्रिया नाम की औरत है। सर वो सारे के सारे नोट नकली हैं। ये लो देखा, मैंने कहा था ना सारा पैसा नकली होगा, नकली। ये प्रिया का एड्रेस क्या है? जेल जाने के लिए दो दो सूटकेस की जरूरत नहीं पड़ती मिस प्रिया। जेल? मैं तो अमेरिका जा रही हूँ अपने फ्रेंड से मिलने। अमेरिका बाद में जाना मैडम, जाली नोटों का कारोबार चलाने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। जाली नोट? जाली नोट का कारोबार? नहीं सर, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई। गलतफहमी हमें नहीं प्रिया, गलतफहमी तुम्हें हो रही है। मार्केट में जाली नोट फैला रही हो और सोच रही हो कि बच जाओगी ऐसा मासूम चेहरा लेकर। नहीं सर, आपके पास कोई सबूत है क्या कि मैं जाली नोट का कारोबार करती हूँ?
तुमने हाल ही में विजय नाम के आदमी से एक जमीन खरीदी थी जी। तो फिर जमीन खरीदने के लिए जो तुमने पैसे दिए उसमें काफी सारे नोट जाली थे। क्या कह रहे हो सर, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। ये कैसे हो सकता है, विजय ने तो ऐसी कोई कंप्लेंट की ही नहीं है। और फिर कंप्लेंट करेगा भी कैसे, तुमने उसे कंप्लेंट करने के हालत में छोड़ा ही नहीं, मार डाला तुमने उसे। विजय, विजय मर गया। चौंकने का नाटक मत करो, तुमने ही मारा है विजय को ताकि तुम्हारे खिलाफ कोई भी सबूत ना रह जाए। नहीं, मेरा यकीन करें, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। बस बस, रोना धोना बंद, सीधे सीधे बताओ और कौन कौन शामिल है तुम्हारे साथ इस जाली नोटों के चक्कर में। कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो फिर इतने सारे नकली नोट कहां से आए थे विजय के पास? मैं नहीं जानती। तुमने जमीन खरीदने के बदले में पैसे दिए थे, रोकड़ पैसे? दिए थे, 70% कैश दिए थे, बाकी चेक से दिया था। तो फिर ये 70% रोकड़ा पैसा कहां से आया? सर, वो मैंने अपनी फ्रेंड से लिए थे इंटरेस्ट पे। मतलब तुम्हारी दोस्त भी शामिल थी इस जाली नोटों की रैकेट में? अरे नहीं सर, मेरी फ्रेंड ऐसा कोई काम नहीं करती। अच्छा, कौन गलत काम करता है कौन गलत काम नहीं करता ये हम पता लगा लेंगे। सिर्फ इतना बताओ, तुम्हारी इस दोस्त का नाम क्या है? मेरी दोस्त का नाम नेहा है। नेहा, उसका फोन नंबर है? देती सर, उसका नंबर है 1144-6600। फोन स्विच्ड ऑफ है। फोन स्विच्ड ऑफ है। पूर्वी, ट्रेस करो इसका आखिरी लोकेशन क्या है। एक बात बताओ, तुम्हारी इस दोस्त ने तुम्हें जो रोकड़ा पैसा दिया था ना, क्या उसमें से कुछ नोटे बाकी हैं, बची हैं तुम्हारे पास? नहीं सर। ओके सर, सर फोन का आखिरी लोकेशन सिटी हॉस्पिटल बता रहा है। क्या सिटी हॉस्पिटल? चिंकू की माँ भी तो वहीं पर एडमिट है, और ये जाली नोटों का चक्कर भी शुरू हुआ है सिटी हॉस्पिटल से। चिंकू, उसकी माँ कहाँ गई? सर शायद इन्हें किसी दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया। चलो डॉक्टर साहब से मिलते हैं। अरे सर, आप लोग यहाँ? डॉक्टर साहब, चिंकू और उसकी माँ का? वो तो सुबह 10 बजे ही चले गए वो लेडी डॉक्टर के साथ। क्या, कौन सी लेडी डॉक्टर? आपने तो भेजा था उसे। हमने कहाँ भेजा था किसी को? उसने तो यही कहा था कि चिंकू की माँ का इलाज आप लोग किसी दूसरे हॉस्पिटल में कराना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, चिंकू की माँ को हमने ही तो एडमिट किया था ना आपके हॉस्पिटल में। हाँ सर, लेकिन उसने यही कहा कि उसे सीआईडी ने भेजा है और चिंकू की माँ का इलाज आप लोग किसी बड़े हॉस्पिटल में कराना चाहते हैं। अरे डॉक्टर साहब, हमने किसी को नहीं भेजा था, आपने उन्हें जाने किसी दिया? मैं क्या करता सर, उसने सीआईडी का नाम लिया और मुझे डिस्चार्ज करना पड़ा। आप हमें एक फोन तो कर सकते थे डॉक्टर साहब। हसन, मुझे क्या पता था कि वो इतना बड़ा झूठ बोलेगी। अच्छा, क्या नाम था उस लेडी डॉक्टर का और कौन से हॉस्पिटल से आई थी वो? उसके बैच पर डॉक्टर अरीमा लिखा था, लेकिन हॉस्पिटल का नाम पूछना भूल गया मैं। डॉक्टर साहब, आपको पता नहीं आपकी इस भूल की वजह से वो दोनों बेचारे किस मुसीबत में पड़े होंगे। वो ने लेकर कैसे गई? मैम, एम्बुलेंस। तो जरा एम्बुलेंस के ड्राइवर को बुला। सर, वो एम्बुलेंस हमारे हॉस्पिटल के नहीं थी। अरे, अच्छा एम्बुलेंस का नंबर तो लिया होगा किसी ने? नहीं सर, नंबर नहीं देखा। ये तो हद हो गई, कोई बाहर से आकर आपके हॉस्पिटल के मरीज को लेकर जाता है, उसके बारे में पूछताछ करने की कोई जरूरत तक नहीं समझता, ना एम्बुलेंस का नंबर लिया जाता है। सर, अब कैसे पता चलेगा चिंकू और उसकी माँ को कौन लेके गया था और कहाँ पे? पता चल जाएगा फ्रेडी, हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। सर, हमारे सारे कैमरास बंद है। क्या, क्यों क्यों बंद है?
वो तो सवेरे सवेरे सिक्योरिटी ने आके कंप्लेन की कि अचानक सारे कैमरास बंद हो गए। मैंने टेक्नीशियन को फोन किया है, अब वही आके बताएगा। वो क्या बताएगा डॉक्टर साहब, हम बताते हैं। जो भी डॉक्टर बनके आपके हॉस्पिटल से मरीज को बाहर लेकर जाता है, उसके लिए आपके हॉस्पिटल के कैमरास बंद करना कोई बड़ी बात नहीं है। एक काम करते हैं, इस हॉस्पिटल के बाहर काफी सारी दुकानें हैं, तो जरूर किसी न किसी दुकान का सीसीटीवी कैमरा इस हॉस्पिटल को देख रहा होगा, पता चल जाएगा। पॉज करो, पॉज करो, लगता यही एम्बुलेंस है। लेकिन सर, इस एम्बुलेंस में ना ये चिंकू दिखाई दे रहा है, ना ही उसकी माँ दिखाई दे रही है। निखिल, इतनी दूर से एम्बुलेंस के अंदर कैसे दिखाई देगा? निखिल, यही एम्बुलेंस है वो। डॉक्टर ने कहा था ना 10 बजे निकले थे वो लोग। ये देखो टाइम है अभी 10:02, यही एम्बुलेंस है। काम करो, एम्बुलेंस का नंबर लो और पता लगाओ कौन मालिक है इसका, और उठाओ उसे। सर, ये कौस्तुभ जी हैं, इस एम्बुलेंस के मालिक यही हैं। क्या बात है सर, क्या किया क्या मैंने? कौस्तुभ, लोगों की जान बचाने की आड़ में उन्हें अगवा करते हो? मैं कुछ समझा नहीं, क्या हुआ सर? ड्रामा बनकर ये बता, तेरी एम्बुलेंस चिंकू और उसकी माँ को कहाँ लेके गई? कौन चिंकू, कौन माँ सर? तुम्हारी एम्बुलेंस सिटी हॉस्पिटल में चलती है? नहीं सर, जहाँ से फोन आ जाता है वहां चली जाती है, कोई एक हॉस्पिटल फिक्स नहीं है हमारा। पूर्वी, फुटेज दिखाओ इसको। कौस्तुभ, सिटी हॉस्पिटल से एक बच्चा और एक औरत गायब हैं, और वो दोनों के दोनों तुम्हारे इस एम्बुलेंस से गए हैं। इसमें कोई शक नहीं सर कि ये एम्बुलेंस मेरी है, लेकिन इसे ड्राइवर चलाता है सर। ड्राइवर को फोन करो। हेलो। हेलो दया। कौन? जान पहचान तो बाद में हो जाएगी, पहले अपना मोबाइल तो चेक करो। क्या ये? बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप ब्यूरो से बाहर चले आओ। अरे मैं बताती हूँ। भाई साहब, कितनी बार कहा तुमसे, नहीं जरूरत नहीं है। हाँ, इंश्योरेंस पॉलिसीज है मेरे पास। हाँ, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, हाँ, कहाँ है तू? कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, जल्दी से एम्बुलेंस लेके सीआईडी ब्यूरो पहुंचो। जितना कह रहा हूं उतना करो बस, समझा? अभिजीत, सर एम्बुलेंस का ड्राइवर तो भाग गया, लेकिन उसकी जीपीएस लोकेशन ट्रेस हो गई, शहर के बाहर एक सुनसान बंगले में। समझ में नहीं आ रहा सर, वो औरत चिंकू और उसकी माँ को शहर से बाहर सुनसान बंगले में क्यों लेके गई है? सर, हो सकता है उस औरत की चिंकू की माँ के साथ कोई दुश्मनी हो। कुछ तो बात है सर, वरना कोई इतना झूठ सच बोलकर उन्हें हॉस्पिटल से गायब करने का जोखिम क्यों उठाएगा? सर, अभी तक दया सर का भी कुछ पता नहीं चल पाया। हाँ, बिना कुछ बताए अचानक पता नहीं कहाँ गायब हो गया वो। आओ दया, आओ, वेलकम, स्वागत है तुम्हारा। जरा दरवाजा बंद कर दोगे प्लीज? मैं आ गया हूं, अब चिंकू और उसकी माँ को छोड़ दो। छोड़ दूंगी, मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है उनसे। कौन हो तुम? बताओ कौन हो तुम? मुझे भूल गए? मैं तुम्हारी नेहा। नेहा? क्या दया? कौन नेहा? मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे तो लगता था
कि तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी है, लेकिन ये तो बहुत कमजोर निकली। क्या बकवास कर रही हो? सिंकू और उसकी माँ को छोड़ दो। क्यों अगवा किया तुमने उन्हें? इतनी जल्दी क्या है दया? छोड़ दूंगी, पहले अपने बारे में तो बात करो। ये बताओ कि कहाँ है वो दोनों? जाओ, नहीं बताती। अब इतनी जल्दी क्या है दया? क्या चाहती हो तुम? शुक्र है, बड़ी जल्दी पूछा तुमने मुझसे कि क्या चाहती हूँ मैं। बताऊंगी, सब बताऊंगी। आज तो सब कुछ बताने का दिन है। चिंकू, चिंकू, ये रुक जाओ दया। उनको छूने की गलती भी मत करना। वहां तुमने उनको छुआ और मैं यहाँ ये रिमोट का बटन दबा दूंगी। बस बॉम्ब एक्टिवेटेड। दया अंकल, हमें बचा लीजिए। दया अंकल, मेहरबानी करके मेरे चिंकू को बचा लीजिए। कुछ नहीं होगा। झूठ क्यों बोल रहे हो दया? अभी तो बहुत कुछ होगा, बस तुम देखते जाओ। इन दोनों को छोड़ दो, तुम्हें जो कुछ भी करना है मेरे साथ करो। अच्छा लगा दया, तुमने मेरी बात मानी। इन लोगों को बचाने के लिए ही सही, लेकिन कम से कम इस बहाने तुम यहाँ तक तो आए। मैंने बचानी है। इन दोनों को छोड़ दो, अगर इन्हें कुछ हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारा गुस्सा भी बड़ा प्यारा लगता है। तुम सामने क्यों नहीं आती? वाह, तुम्हारी ये पास बुलाने की अदा भी मुझे बहुत अच्छी लगी। आऊंगी, जरूर मिलूंगी तुमसे, लेकिन इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में। ये बकवास बंद करो। तुम चाहती थी कि मैं यहाँ अकेले आऊं। निहत्ता, मैं आ गया। इन दोनों को छोड़ क्यों नहीं देते तुम? फिर से तुमने दूसरों की बातें शुरू कर दी। नहीं दया, अभी हमारी बातें करते हैं, हम दोनों की बातें। बताओ ना, कैसे हो? मैं तुम्हें जानता नहीं, मैं तुम्हें पहचानता नहीं। क्या बात करूं मैं तुमसे? तुम मुझे जानते हो, लेकिन जान कर भी अनजान बन रहे हो। कोई बात नहीं, आज तो मैं अपनी बहादुर दया की बहादुरी देखना चाहती हूँ। बोलो क्या करना है मुझे? मैं जो कहती हूँ वो। तुम्हारी बाईं तरफ में एक टेबल है, उसके ड्रॉअर में मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा रखा है, जाओ देखो। सर, यही बंगलो है जहां पे एम्बुलेंस गई है। दया की बाइक? दया यही चल कर रहे हैं यहाँ पे। तुम लोग इस तरफ से देखो, हम इधर देखते हैं। ध्यान से। क्या सोच रहे हो दया? रुक क्यों गए? उठाओ गन, उठाओ। गन, अगर इन दोनों को बचाना चाहते हो तो अपने आप को गोली मार दो। नहीं दे अंकल, ऐसा मत करना। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि फिर मैं इन दोनों को छोड़ दूंगी। नहीं दे अंकल, बिल्कुल नहीं दे अंकल। क्या चाहती हो तुम? क्यों कर रही हो तुम ये सब? क्योंकि तुम अगर मेरे नहीं हो सकते तो किसी और के भी नहीं। मैं 10 से उल्टी गिनती शुरू करूंगी और एक आते ही गोली चलेगी, नहीं तो मैं एक धमाका करूंगी। साहब, मैं तो वैसे भी मरने वाली हूँ, बेटे को भी साथ ले जाती हूँ, मर जाने दीजिए हमें। पर आप जैसे अच्छे इंसान की दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरत है। वाह, क्या बात है दया, तुम्हारे चाहने वाले तो बहुत हैं।
कोई बात नहीं, लेकिन अब तुम्हारी मौत का वक्त आ गया है। मैं गिनती शुरू कर रही हूं। 10। अब अगले जन्म में मिलेंगे दया। बाय बाय। एक नहीं, नो! तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया दया। अब तुम में से कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। क्या कर दिया तुमने? क्या करता? तुम अपने आप पे गोली मारने वाले हो तो मैं क्या? मैंने ये बॉम्ब एक्टिवेट कर दिया है और एक मिनट में अब यहाँ ब्लास्ट होगा। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। डिफ्यूज करते हैं इसको। अभिजीत, ये कौन सा वायर कहाँ कनेक्ट हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। कोशिश करते हैं यार। 40 सेकंड बचे सर। ये देखो, ये येलो वायर जो है ये उतार ये इधर आ रही है, सॉकेट तक आया है और ये टाइमर के पास। ये लो तो ये तो बाहर घूम के निकल गए। सर सिर्फ 30 सेकंड बचे। ए, रुक, रुक जाओ, ए, रुक जाओ। रेड वायर ये इसके अंदर है। सर ये टाइमर के अजीत संभाल गए। नहीं रेड नहीं है, ये तो बाहर निकले हुए। 15 सेकंड। एक मिनट, कुछ नहीं, अब बचता है ब्लैक वायर। हाँ, ये डिवाइस से भी जुड़ा हुआ है, टाइमर से भी। सर 5 सेकंड बचे सर, जल्दी कीजिए। सर काट दो बीच, जल्दी कीजिए सर। अगली गोली तुम्हें लगेगी। पहले अपने गुनाहों का अंजाम तो भुगत ले। तुम? उसे? हाँ? ये मेरे पीछे पड़ी थी। क्या नाम है इसका? पीछे नहीं पड़ी थी, प्यार करती थी मैं तुमसे। ये कैसा प्यार है? प्यार में लोग अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं, पर तुम जिससे प्यार करती थी उसी की जान लेने चली थी। हाँ, इसने मेरे प्यार की बेइज्जती की, मेरे प्यार की कदर नहीं की, इसलिए मैंने इसको नकली नोटों के जाल में फंसाया। फिर मैंने प्रिया से दोस्ती की जो विजय से एक प्रॉपर्टी लेने वाली थी, और फिर मैंने एक नकली नोटों का बैग उसके घर भिजवा दिया। विजय को क्यों मारा तुमने? विजय को नकली नोटों के बारे में पता चल गया था और वो प्रिया के साथ मिलकर मुझ तक पहुंचने वाला था, इसीलिए मैं नकली बैंकर बनकर उसके घर गई और फिर मैंने उसे मार दिया। इतना सब कुछ किया, क्या लगा था तुम्हें खुदकुशी कर लोगी तो खेल खत्म? जो कुछ किया है उसकी सजा यहीं भुगतनी पड़ेगी, इसी जन्म में फांसी होगी तुम्हें। ये लो माँ, आज मेरा जन्मदिन है।
शुक्रिया, आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। शाबाश। देखिए अब चिंकू को कहीं पर भी काम करने की जरूरत नहीं है, उसका सारा खर्चा अब भारत सरकार उठाएगा। और चिंकू बेटा, आज से तुम सिर्फ पढ़ाई करोगे, खूब पढ़ोगे और एक अच्छा इंसान बनोगे। मैं बड़ा होके ठीक दया अंकल जैसा ही बनूंगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.